हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सीमा दा स्वाद में। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू। तो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए सूजी के उत्पम। इसके लिए मैंने 250 ग्राम सूजी ली है, एक कटोरी दही लिया है। दही को हमने पहले फेंट लिया है, तो हम दही को इसमें मिक्स कर देंगे और इसमें थोड़ा थोड़ा पानी मिला के इसका एक घोल तैयार कर लेंगे। पानी हमें एकदम से नहीं मिलाना है, थोड़ा थोड़ा पानी हमें मिलाना है। देखो, इसका घोल तैयार हो रहा है, अच्छा सा, थोड़ा पतला, क्योंकि सूजी अभी फूलेगी। अभी हमें इसे रेस्ट के लिए रखना है, तो सूजी अभी फूलेगी। तो घोल तैयार हो चुका है, अब हम इसे 15 मिनट के रेस्ट के लिए रख देते हैं, जिससे सूजी अच्छे से फूल जाए। इधर हमने सब्जियों को काट लिया है, एक शिमला मिर्च ली है, एक प्याज ली है और एक टमाटर लिया है। इधर घोल जो हमने रखा था, 15 मिनट हो चुके हैं, हम इसे घोल लेते हैं। तो देखो, अभी ये गाढ़ा है, तो इसमें थोड़ा थोड़ा पानी मिला के हम इसे पतला कर लेंगे, जैसा घोल हमें चाहिए उतना ही हमें पतला करना है। ये घोल बन चुका है, अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हमने डाला है चाट मसाला, वही मिर्ची पाउडर और ये नमक। नमक आप टेस्ट के अकॉर्डिंग, जैसा आप खाते हो डाल सकते हैं। और ये हम जीरा डाल रहे हैं क्रश करके, और हम इसे घोल लेते हैं अच्छे से, जैसे ये मसाले अच्छे से मिल जाए। अब हम इसमें सब्जी ऐड करते हैं। सब्जी आप अगर कुछ और भी डालना चाहें इसमें, अलग से मटर डालना चाहें या जो आपको पसंद है वो भी डाल सकते हैं। मेरे पास अभी यही उपलब्ध थी, तो मैंने इन्हीं को डाला है और मैं इन्हीं को ही डालती हूँ, क्यों बच्चे यही खाते हैं। इसको अच्छे से घोल लेंगे। और इधर हमारी कढ़ाई गर्म हो चुकी है, तो इसमें हम डालेंगे ऑयल, और अब इसमें डालेंगे सरसों, और जीरा भी इसी मिक्स है, जीरा और सरसों और कड़ी पत्ता डालेंगे। और अब इसमें हम घोल डाल देंगे। घोल को आपको अच्छे से सेट कर देना है और गैस का फ्लेम स्लो रखना है। अच्छे से हमने इसको सेट कर दिया है, अब हम इसे ढक देंगे। को हमने ढक दिया है, 5 से 6 मिनट स्लो फ्लेम पे इसको रखना है। और हम चेक करते हैं ये अभी हुआ है कि नहीं। अब इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, अभी हम ढक के रख देते हैं। अब ये पूरी तरह पक चुका है, देखो हमने चेक भी कर लिया है। सॉरी, आपको दिखाना भूल गई, अभी नया नया शुरू किया है। ऐसे पलट देते हैं, देखो कितना अच्छा कलर आया है, ब्राउन एकदम कुरकुरा दिख रहा है। थोड़ा सा ऑयल डाल के हम इसे थोड़ा ढक देंगे और थोड़ी देर इंतज़ार करेंगे, क्योंकि दूसरी साइड से हमें उतना नहीं सेकना होता, कम ही सेकना होता है। देखो अब ये सेक चुका है, अब हम इसे निकाल लेते हैं अच्छे से। हमें दूसरी साइड इस तरह ही सेकना है, ज़्यादा नहीं सेकना। अब दूसरे के लिए हम सेम प्रोसेस, ऑयल डालेंगे, सरसों डालेंगे, जीरा डालेंगे और कड़ी पत्ता डालेंगे। घोल डाल देते हैं। दोस्तों, घर पे ये आप ज़रूर ट्राई करना, एक बार तो ज़रूर ट्राई करना, और आपको अच्छा लगेगा। आपके घर अगर बच्चे हैं तो बच्चे इसे ज़रूर पसंद करेंगे, क्योंकि बच्चों को इस तरह की चीज़ें बहुत पसंद होती हैं। ये हमने ढक दिया है, अब ये भी पक चुका है, इसे चेक कर लेते हैं। हाँ, ये पक चुका है, इसे पलट देते हैं थोड़ी देर के लिए। इसमें ऑयल डाल देते हैं,
इसे थोड़ा ढकेंगे 1 मिनट के लिए। अब देखो ये पक चुका है, अब हम इसे निकाल लेते हैं। अब देखो हमारे उत्पम बन के तैयार हैं। आप इसे घर पर ज़रूर ट्राई करें, और अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें, और मैं ऐसे ही आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो लाती रहूँगी और इम्प्रूवमेंट करूँगी। अभी मैंने शुरू किया है तो हो सकता है इसमें गलतियाँ, उसके लिए सॉरी, और वीडियो देखने के लिए थैंक यू।